करिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बे दिवस गुजरात प्रवासे छे। भाडज खाते नवा बनेला ब्रिज नू केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकार्पण करशे। एसपी रिंग रोड पर 73.33 करोड़ खर्चे ओवरब्रिज निर्माण पाम्यो छे। 1000 मीटर लंबाई नो आ ब्रिज बनावायो छे। ब्रिजनू लोकार्पण 30,000 वाहन चालकों ने ट्राफिक माथी मुक्ति मळशे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह छे ते बे दिवस गुजरात मुलाकाते आवे छे। गुजरात मुलाकात दरमियान विविध कार्यक्रमों हाजरी आपवाना छे। त्यारे जे भाडज खाते तैयार थयेलो जे फ्लायओवर ब्रिज जे छे तेनुं लोकार्पण करवामां आव्युं छे। लोकार्पण कर्या बाद प्रथम तेवो आ ब्रिज उपरथी पसार थई रह्या छे। दृश्यमां जोई रह्या छो के हवे अहींथी जे विविध कार्यक्रमोमां तेवो हाजरी आपवाना छे त्यां जवा नीकळ्या छे। जो कि अत्यारे ज तेमणे आ ब्रिजनुं आज लोकार्पण करवामां आव्युं छे। लोकार्पण बाद जे अहींयाथी बीजा स्थळे जवाना छे ते रवाना थई रह्या छे। जो कि बे दिवस गुजरात प्रवासे आया है। 13 जेटला जे विविध कार्यक्रमों में हाजरी आपशे। तेमा फ्लायओवर ब्रिज नु लोकार्पण करवामां आव्युं छे। 73 करोड़ खर्चे आ ब्रिज जे आकार पाम्यो छे ने 30,000 थी पण वधारे जे वाहन चालको जे छे तेने सीधी असर जे छे त्या ब्रिज थी पड़शे। एटले के ब्रिज नु लोकार्पण छे ते करवामां आव्युं छे। कैमरा मेहुल राठौर साथे गौतम श्रीमाळी, VTV अमदावाद। तो केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बे दिवस गुजरात प्रवासे छे त्यारे भाडज खाते ओवरब्रिज लोकार्पण करवाना छे। जेथी जे ट्राफिक नी समस्या के जेनाथी वर्षो थी लोको परेशान छे आ समस्या थी लोको ने हवे मुक्ति मळशे। अमित शाहे भाडज में नवनिर्मित ब्रिज नु लोकार्पण कर्यु छे। 73.33 करोड़ खर्चे आ ओवरब्रिज बन्यो छे। आ ओवरब्रिज नु लोकार्पण थता 50,000 थी वधु वाहनों नी अवरजवर भाडज खाते आ ओवरब्रिज में रहेशे। बे दिवस गुजरात प्रवास छे। गुजरात विधानसभा 2022 चूंटणी ने हवे गणतरी महीनाओ छे ते पहला तैयारी